गाइस क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे तिरुपति में घूमने आई हूँ। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम आए हैं घूमने के लिए, यानी तिरुमला तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो पहले तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा सभी वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो उनको देख के मेरा भी मन हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और खूब सारी फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पर ली थी। यहाँ पे हम वीडियो बना के आगे गए थे जब हम दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, आगे जाने की जगह भी नहीं थी। रुक रुक के आगे जाना पड़ा था हमें। फिर अंदर जाने के बाद एक बड़े बड़े रूम से थे, उस रूम के अंदर हम बैठ गए थे। बाहर से ताला लगा दिया था, ना ही तो हम बाहर निकल सकते थे, ना ही कहीं जा सकते थे, अंदर ही पैक रहना था। हम रात भर वहीं पर रुके थे। हम पहले दिन 3 बजे शायद गए थे उस रूम के अंदर, लेकिन हम रात को 3 बजे वहाँ से निकले थे, 1 बजे निकल गए थे, 3 बजे हमने दर्शन किए थे वहाँ पे। तो उसके अंदर क्या वो कुछ बाहर का खाना वगैरह नहीं आता है, उधर प्रसाद बनती है, वो रवा होता है ना, रवे का कुछ उपीट, हाँ उपीट जैसा ही कुछ था, वो नमकीन में था, मीठे में नहीं था, वो बना के देते हैं खाने के रूप में। और बाहर का हम जैसे मार्केट का कुछ खरीद लेते हैं, दुकानें वगैरह वैसी कुछ भी नहीं थी, लेकिन हाँ टॉयलेट वगैरह वो सब थे, पानी खूब था पीने का पानी, वो तो जगह जगह पे बहुत सारे नल लगे हुए थे, पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन रात भर फिर उधर ही रुकना पड़ा था, बहुत भीड़ थी उधर, बड़े बड़े रूम बने हुए थे, उधर ही बैठे थे। लेकिन रात को 1 बजे हमारे को उस रूम से बाहर निकाला था, ताला खोला था, तो हम सब बाहर गए थे। एक दूसरे को सभी लोग धक्का दे रहे थे, इतनी भीड़ थी। अब हम वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने के बाद यहाँ से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। आज तो ये यहाँ पे खाली खाली जगह आपको दिख रही है, इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे दिन इधर से निकले थे ना, तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी, पुलिस वाले भी खड़े थे, और जैसे भी यहाँ पे मोड़ का कटारा ना, उस तरफ से वहाँ पे ताला लगा देते थे पुलिस वाले, आगे नहीं निकलने देते थे, क्योंकि एक दूसरे को बहुत लोग धक्का दे रहे थे ना कि कहीं चोट ना लग जाए, इसकी वजह से पुलिस वाले ऐसे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पे ताला लगा के रखना पड़ता था उनको। जैसे आगे वाले अंदर चले गए, उसके बाद दूसरे लोगों को अंदर की तरफ भेजते थे ताला खोल के, जैसे ही आधे फिर से आगे चले गए तो फिर से ताला लगा देते थे, ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ भेज रहे थे। जब हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने चेकिंग की थी ना, तब हमारे बैग वगैरह थे ना, उन्होंने रख लिए थे, हमारे मोबाइल भी रख लिए थे, हमें साथ में नहीं लेना लेके जाने दिए थे अंदर, इसीलिए मैंने बड़े मंदिर की कोई वीडियो भी नहीं बना पाई थी। क्योंकि जब हम दर्शन करके बाहर निकले थे, तब हमें फ़ोन वापस मिला था, उससे पहले हमें फ़ोन नहीं दिया था वापस। वहाँ पे बड़े मंदिर का वो हिस्सा है जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है वो सोने का बना हुआ है, शायद इसकी वजह से ही वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमने दर्शन किया, वहाँ पे लड्डू दे रहे थे, तो हमने लड्डू भी लिए, प्रसाद के रूप में वो दे रहे थे, वो तो मीठे में लड्डू थे, बाकी तो यहाँ पर ज़्यादा नमकीन चलता है, इतना मीठा नहीं है, लेकिन लड्डू थे वो मीठे में थे, बहुत टेस्टी थे, दूर दूर से उसकी खुशबू आ जाती है, इतने अच्छे थे। हमने दर्शन कर लिए थे आराम से, फिर हम जो हमें रूम मिला था उस रूम में आ गए थे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? हम रूम में आ गए हैं जो हमारे को रूम मिला था, देखिए कितना बिखरा हुआ पड़ा है, लेट हो रहा है, अब जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो चलिए आपको भी घुमाएंगे। तो अब हम तैयार होकर घर से निकल गए हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। साइडों में ये रूम बने हुए हैं बड़े बड़े, आप देख सकते हो, ये यात्रियों के लिए ही बने हुए हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो, आराम से यहाँ पे रुक जाते हैं वो। हमने भी यही रूम लिया था, बहुत साफ़ सुथरा रूम मिला था हमें, कोई भी रूम में गंदगी नहीं थी। तो अब हम नहा धो के तैयार हो के हैं, जा रहे हैं घूमने के लिए। और यहाँ पे नज़दीक नज़दीक मंदिर थे जहाँ पे दर्शन करने के लिए गए थे, वहाँ पे ये फ्री बस लगी हुई है, सामने वो खड़ी है ना, वो इस तरीके की
फ्री बस लगी हुई है, एक भी रुपए नहीं लेती है। लेकिन जहाँ दूर मंदिर थे वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन नज़दीक नज़दीक थे वहाँ पे जाने के लिए ये बस एक रुपए भी नहीं लेती है। तो हमने बस के अंदर बैठ गए हैं और जा रहे हैं नज़दीक नज़दीक मंदिरों में दर्शन करने के लिए। सबसे पहले जाएंगे, फिर हम जाएंगे जहाँ पे दूर दूर पे अच्छे अच्छे पार्क बता रहे हैं कि अच्छे अच्छे पार्क है, और पहाड़ी के ऊपर भी है एक बड़ा सा मंदिर, वहाँ पे भी हम जाएंगे। और हम बीच में यहाँ पे रुके थे मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि युवराज ने भी बाल दान कर दिए हैं। वो बोल रहा था मम्मी मुझे शर्म आ रही है, मुझे टोपी दिलाओ, मुझे टोपी पहननी है। तो यहाँ पे ये टोपी ले रहे हैं युवराज और युवराज के पापा दोनों ने, तो मैंने भी थोड़ा सा वीडियो बना लिया है और मेरे जीजी भी वीडियो बना रहे हैं। यही ले लो बेटा, आप जो आपको पसंद है वही रख लो। और यहाँ पे तो वो सेम ही सामान है, चूड़ी वगैरह मोली रोली जैसे वो सभी जगह होता है, ये वही सामान है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे फ्रूट रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ लकड़ी का ये सामान जैसे आप देख सकते हो बेलन वगैरह वो इस तरीके का सामान है, वो भी रखा हुआ है। मुझे तो इसमें से कुछ भी पसंद नहीं आया था, ये तो बोल रहे थे कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो, मुझे तो कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर इन्होंने ही एक कड़ा लिया था, बोल रहे थे तुम तो कुछ ले नहीं रहे हो, चलो मैं ही ले लेता हूँ। तो इन्होंने एक कड़ा पसंद किया था, पसंद तो नहीं है इनको, लेकिन फिर भी ये बोले इतनी दूर आए हैं घूमने के लिए तो कुछ तो ले लेते हैं, नहीं तो बाद में सोचेंगी कि अगर गए थे लेकिन कुछ भी नहीं लिया, इसीलिए ये कड़ा ले रहे हैं। तो अब हम कड़े वगैरह लेने के बाद आ गए हैं वो सरोवर का नाम, मैं तो बार बार भूल जाती हूँ नाम ही, स्वामी पुष्करणी सरोवर शायद यही नाम होगा, उस सरोवर जा रहे हैं। रास्ते में भी एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे भी क्या हुआ, बाहर से तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर का वीडियो बनाने लगी तो वहाँ पे एक पुलिस वाली खड़ी थी, वो बोली नहीं फ़ोन नीचे करो, कोई वीडियो नहीं बनाना। तो फिर मेरे को फ़ोन नीचे करना पड़ा, वीडियो नहीं बनाने दिया। तो इसकी वजह से अंदर का कोई भी वीडियो नहीं है किसी भी मंदिर का मेरे पास में, सिर्फ बार बार के हमने बनाए थे वीडियो। मैं आपको बता रही थी ना वो यही मंदिर है, इसकी मैंने देखी बाहर से वीडियो बनाई है कितनी भीड़ है,
लेकिन जैसे ही पुलिस वाली ने मुझे देखा तो वीडियो बनाना मना कर दिया, बोले नहीं बनाना है। तो अंदर का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। तो हम छोटे से मंदिर का दर्शन करने के बाद अब आ गए हैं यहाँ पे सरोवर पर। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहा रहे हैं, कुछ खड़े हैं। युवराज और दिव्या तो बहुत जिद करने लगे थे कि हमें तो नहाना ही है, लेकिन हमें तो भूल गए थे, कोई भी कपड़े साथ में ही नहीं लेके आए थे। जो पहन के आए थे वही थे, दूसरे कपड़े भी साथ में नहीं लाए थे। तो मैंने नहाने के लिए मना कर दिया था कि नहीं नहाना, कपड़े भीग जाएंगे तो क्या पहनोगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो कपड़े निकाल के ही नहा लेंगे। तो बहुत जिद करने लगे थे। तो उसके पापा बोले चलो नहाने दो बच्चों को। तो फिर मैंने भी बोल दिया था आप कपड़े निकाल के नहा लो बच्चों। तो आगे मैं उनका भी वीडियो बनाया था, आपको दिखाऊंगी नहाते हुए का। तो देखिए रात को भी हम यहाँ पे आए थे बड़े मंदिर का दर्शन करने के बाद, लेकिन उस टाइम इन्होंने मना कर दिया था कि रात के टाइम नहीं नहाते हैं, सुबह के टाइम आना आप। तो इसकी वजह से हम फिर से आए थे इसी जगह पे। ये भी मंदिर यहाँ पे बीच में बना हुआ है ना, पानी के अंदर मंदिर, वो भी ऊपर का हिस्सा इसका भी थोड़ा थोड़ा सोने का है। तो यहाँ पे मैं भी नीचे जा रही हूँ, मुझे भी पानी बहुत अच्छा लग रहा था, नहाने का वैसे मन कर रहा था, लेकिन कपड़े साथ में नहीं लाई थी मैं, इसकी वजह से मैंने नहीं नहाया था। तो ऐसे ही थोड़ी सी पानी में हाथ भिगो के मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे देखिए दिव्या और युवराज दोनों मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं। उनको पानी इतना पसंद आया कि निकल ही नहीं रहे थे। बहुत नहाने के बाद मैंने बोला था अब तो बाहर निकल जाओ, कहीं और जगह घूम के आते हैं। तो दोनों बोल रहे हैं नहीं, हमें कहीं भी नहीं जाना, हमें तो बस यही खेलना है मम्मी, थोड़ी देर और खेलने दो। इतना जिद करने लगे थे। तब काफ़ी टाइम इधर ही रुके थे, फिर हमने सोचा आए गए हैं तो बच्चों को चलो नहाने देते हैं। तो देखिए कितने मस्ती कर रहे हैं बच्चे। तो तो नहाने के बाद अब हम आ गए हैं बाहर और जा रहे हैं। उससे एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर सभी एक बोल रहे हैं कि पाप विनाशम टेम्पल, मतलब वहाँ पे पानी का झरना वैसा है, उधर नहाने से पाप सारे धुल जाते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अब रियल में तो किसको पता कि पाप धुलते हैं या नहीं, लेकिन बोलने वाले तो बोलते हैं। तो हमने सोचा चलो हम भी देखते हैं कि ये कैसा है। तो अब हम वहीं पर जा रहे हैं। अब हम हैं रास्ते में, तो उधर का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। देखिए इधर रास्ते में एक केक मिल गई थी तो बच्चे तो खेलने लग गए थे। जहाँ भी कोई भी मौका मिले तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं, इससे खेलने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो झरना वगैरह है पाप वाला जो बोल रहे हैं, उसका वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।
आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे, तो इसके लिए मैं वीडियो को एंड करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। हाय गाइस, मैं यहाँ तिरुपति में आई हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मेरी मासी के साथ में आई हूँ, वे बहुत अच्छी अच्छी घूमने की चीज़ें हैं, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी देखने के लिए चीज़ें, कितना सुंदर नज़ारा है। अभी आप देख सकते हो मेरे आसपास में कितने अच्छे अच्छे हरियाली है। मुझे बहुत मच्छर काट गए, यहाँ पे बहुत मच्छर है, फिर भी यहाँ पे अच्छा नज़ारा बहुत है। मच्छर काटते हैं तो काटते हैं, यहाँ पे अच्छा तो नज़ारा है, सच्ची बात। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बाय।